यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अध्याय 7 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा 1 जनवरी 2007 को नई दिल्ली में दिया गया। गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले आप सब नए वर्ष के लिए कृष्ण भावनामृत की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। भौतिकवादी व्यक्ति ये चाहते हैं कि नए वर्ष में ज़्यादा धन कमाएं, ज़्यादा भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो, पर भक्तों की इच्छा रहती है कि हम और भी भक्ति में जुड़ें और भगवत प्रेम को अनुकूल करने का प्रयास करें। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबकी आध्यात्मिकता में रुचि है, इसीलिए आप आज मंगल आरती में भी आए थे। पर मैं सोच रहा था कि अगर आप सोचो कि लगभग हर हफ्ते नया साल है, रोज़ तो आप मंगल आरती में नहीं आ सकते, तो इसी बहाने अब मंगल आरती में ज़्यादा आना शुरू कर दोगे। जैसे आज काफ़ी संख्या में लोग आए थे मंगल आरती के लिए और क्लास में भी। तो भक्तों की इच्छा रहती है कि हम हर सुविधा का लाभ उठाएं भगवान के शरणागत होने के लिए। इसलिए जैसे आज छुट्टी का दिन है तो आप सब आए हो मंगल आरती में, क्लास में आ रहे हो, और भौतिकवादी क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, एक बजे जागेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, हर सोमवार को हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। हफ्ते में 6 दिन पढ़ते हैं, सुबह के समय भागवतम और सोमवार के दिन चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत की रचना कृष्णदास कविराज जी ने की है, चैतन्य महाप्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, जो कि प्रकट हुए थे लगभग 520 साल पूर्व। और चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, उनकी शिक्षा के विषय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर जी ने की है। एक है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना लोचनदास ठाकुर जी ने की है। और एक है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना कृष्णदास कविराज जी ने की है। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया, क्योंकि इसमें बहुत गहरा सिद्धांत है और लीलाएं भी हैं। दूसरे जो 2 ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, उनमें लीलाएं ज़्यादा हैं और सिद्धांत थोड़ा कम है। और चैतन्य चरितामृत में काफ़ी गहरा सिद्धांत है, इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले इस ग्रंथ का अनुवाद किया। तो इस समय हम आदि लीला पढ़ रहे हैं, आदि लीला का 7वां अध्याय। चैतन्य चरितामृत के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। कृष्ण नाम महामंत्रे रहेतब स्वभाव, ए जपे तरे कृष्णे उपजय भाव। ओम अज्ञात वरांदस्य ज्ञानञ्जनशलक्य चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले,
स्वयं रूपा कदामयाम ददाति स्वापदांतिकम वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलान श्रीगुरुन् वैष्णवांशम श्रीरूपां सग्राजतम सहागना रघुनाथन्वितं तं सजैवं सद्वेतं स्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णाकरपते सप्तक वाचाकल्पतरव्यश्च पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यं हरे कृष्ण श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस श्लोक का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कर रहे हैं और इस सातवें अध्याय में आप पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी आए, जिससे आप बनारस के नाम से भी जानते हो, वहाँ के जो मायावादी सन्यासी थे उन्होंने महाप्रभु जी की बहुत ही निंदा की। महाप्रभु जी छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, इसलिए उनका एक नाम था निमाई पंडित। पंडित किसे कहते हैं? जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। आज के वातावरण में आप देखते हो पंडित, महाजन, गोस्वामी, स्वामी, जिनके नाम हैं, जो बीड़ी, सिगरेट सब गलत काम भी करते हैं, पर पंडित का मतलब है जिसके पास गहरा आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो छोटी सी आयु में ही निमाई ने उस समय के जितने संस्कृत के विद्वान थे सबको हरा दिया था। जैसे कि आजकल क्रिकेट कंपटीशन होता है, हॉकी कंपटीशन होता है, प्राचीन समय में फिलोसफिकल कंपटीशन होता था और बड़े बड़े पंडित आए थे नवद्वीप शहर में, क्योंकि नवद्वीप शहर में उस समय के सारे विद्वान रहते थे। उस सबको महाप्रभु ने हरा दिया था। एक केशव कश्मीरी नाम का पंडित भी आया था जिसने भारत में सबको हरा दिया था। जब केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी कि मैं नवद्वीप में आकर आपके शहर के प्रतिनिधि से डिबेट करना चाहता हूँ, तो नवद्वीप शहर के जितने विद्वान थे सब घबरा गए। उन्होंने कहा, केशव कश्मीरी के सामने कौन डिबेट करेगा, कौन खड़े होगा? क्योंकि सबको पता था उसके ऊपर देवी सारस्वती की खास कृपा है। पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे शहर का जो सबसे छोटा पंडित है उसे हम आगे रखेंगे। वो सबसे छोटा पंडित कौन था? निमाई। सिर्फ 11 साल की आयु थी उनकी। और उन्होंने ये कहा कि अगर केशव कश्मीर ने निमाई को हरा दिया तो हम कहेंगे कि उसे तो हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर किसी जादू से निमाई ने उसे हरा दिया तो हम कहेंगे कि अगर हमारे शहर का बच्चा उसे हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो केशव कश्मीरी के साथ
गंगा के तट पर निमाई ने डिबेट किया था और निमाई ने केशव कश्मीरी को बड़ा आदर दिया। केशव कश्मीरी जब आए, निमाई ने उनको आदर दिया और कहा कि आपकी बहुत ही प्रशंसा मैंने सुनी है। केशव कश्मीरी ने कहा कि मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, आप सुनाओ कुछ श्लोक मुझे। निमाई ने कहा कि आपके सामने तो मैं निकम्मा हूँ, तुच्छ हूँ, आप पहले श्लोकों की चर्चा कीजिए। और फिर केशव कश्मीरी ने एक घंटे में 100 श्लोकों की रचना की, जिनके द्वारा गंगा माता की प्रशंसा हो रही थी। और फिर श्लोकों की रचना करने के पश्चात उन्होंने पूछा, फिर कैसे लगा तुम्हें? केशव कश्मीरी शुद्ध भक्त नहीं थे, संस्कृत के विद्वान थे, पर उनमें गौरव था। ये चाहते थे हमेशा कि लोग उनकी प्रशंसा करें, तुम कितने बड़े विद्वान हो। तो महाप्रभु जी ने सारे 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था एक बार सुनने से ही। जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर ले, उसे संस्कृत में श्रुति धरा कहा जाता है। और जब केशव कश्मीरी ने देखा कि उन्होंने इतनी वायु की तेजी से इन श्लोकों की चर्चा की थी और निमाई ने एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर लिया, तो वो आश्चर्य हो गए। उनको लगा कि इस व्यक्ति में खास शक्ति है। और जब निमाई ने उनकी रचनाओं की कमियां सुनाई, केशव कश्मीरी उनका उत्तर नहीं दे पाए। और जब शाम के समय कि उन्होंने सरस्वती देवी से प्रार्थना की, कहा कि हर स्थिति में आपने मेरा सहयोग दिया है, पर आज आपने मेरा सहयोग नहीं दिया, क्या कारण है? तो देवी ने कहा कि जो लड़का निमाई है, ये साधारण बालक नहीं पर स्वयं भगवान है। तो अगले दिन केशव कश्मीरी अपने विद्यार्थियों के साथ निमाई के शरणागत हो गए। तो पूरे भारत में निमाई का नाम फैल गया था कि ये निमाई पंडित जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। पर जब ये बनारस में आए, वाराणसी में, तो वहाँ ये क्या कर रहे थे? हरे नाम का संकीर्तन अपने साथियों के साथ। और उन दिनों में और आज भी शायद वाराणसी जो था मायावती सन्यासियों का अड्डा था, हेडक्वार्टर था। तो उस समय एक सभा हो रही थी और 10,000 मायावादी सन्यासियों की, और ये सारे मायावादी सन्यासी कह रहे थे, ये जो निमाई पंडित है, लगता है ये पागल हो गया है, इसे हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। पर वेदांत सूत्र के अध्ययन के बजाय पागलों जैसे नाचता है और गाता है। जैसे कि आप लोग भी जब हरि नाम में जाते हो, कई तो आपका साथ देते हैं, कई क्या कहते हैं, देखो पागलों जैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जब बाहर के लोग मंदिर में आते हैं और भक्तों को देखते हैं नाचते हुए उत्साह के साथ, तो कई बार दोष देते हैं, कहते हैं ये सब तो दिखावा है, हमारे हृदय में तो शुद्ध भक्ति है, हम दिखाते नहीं किसी को। लोग कहते हैं ना ये तो नाच दिखावे के लिए नाच रहे हैं, कहते हैं ना लोग। पर वो ये नहीं जानते कि दिखावा नहीं है, पर अगर आप भगवान के गुणगान में जुड़ जाओ तो नाचने का गाने का खुद ही दिल करता है। तो ये जो मायावती सन्यासी थे, ये इस प्रकार से महाप्रभु जी की निंदा कर रहे थे। मायावादी किसे कहते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि मायावादी का अर्थ है जो कि माया में है। तो एक रूप से देखा जाए सभी माया में है, तो सभी मायावादी बन जाए कल आएंगे। पर मायावादी का अर्थ है जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, जो सोचते हैं कि परम भगवान जब प्रकट होते हैं भौतिक संसार में, वह हमारे समान बन जाते हैं। एक और नमूना है,
जो सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक वकील आया था मुझे मिलने, तो वो नीचे मिल रहा था, तो मैंने उससे कहा कि ऊपर दर्शन के लिए गए आप? कहा नहीं। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि ऊपर आए भगवान के दर्शन के लिए, पर जब भी मैं कहता था दर्शन के लिए जाइए, वो किसी न किसी रूप से टाल देता था। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो कट्टर मायावादी था, आर्य समाजी। तो कह रहा था नहीं नहीं हम तो भगवान के विग्रह में विश्वास ही नहीं करते, तो हम दर्शन क्यों लें। तो जो मायावादी विचार के व्यक्ति हैं, कहीं वो सोचते हैं ये मूर्ति जो है ये तो मूर्ति पूजा है, इसमें क्या शक्ति। तो जो वैष्णव हैं मायावादियों की संगत से दूर रहते हैं, ये है किसका? महाप्रभु जी का आदेश। तो ये मायावादियों की जो सभा हो रही थी, उनके नेता का नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, सब ये चर्चा कर रहे थे ये सन्यासी तो पागल हो गया है, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के बजाय पागलों जैसे नाचता है गाता है। और ये जो निंदा हो रही थी, ये निंदा पहुंच गई महाप्रभु जी के भक्तों के कानों में, खास करके उनके दो प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा। तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य, इन्हें पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। जब महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, सब नहीं पहचान पाए कि वह स्वयं भगवान हैं। कईयों ने तो सोचा ये साधारण बड़े विद्वान हैं, पर उनके कुछ प्रिय निकट के भक्ति केवल ये समझ पाए कि वह स्वयं भगवान हैं। तो तपन मिश्र चंद्रशेखर को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु जी की निंदा हो रही है, तो उन्होंने वो गए मिलने चैतन्य महाप्रभु से। उन्होंने कहा कि हमें दुख हो रहा है आपकी निंदा सुनकर, ये जो मायावादी सन्यासी हैं ये आपकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और हमारे कानों से सुना नहीं जाता ये, क्योंकि जो वैष्णव है किसी की निंदा ना करना चाहता है ना सुनना चाहता है। करोगे तो भी दोष, सुनोगे तो भी दोष, इसलिए हमें आलोचना निंदा से सावधान रहना चाहिए। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि हमें पता है कि आप मायावादी सन्यासियों को नहीं मिलते, पर हमारी ये प्रार्थना है कि आप इन सन्यासियों को जरूर मिलो, उन्हें बताओ कि आप क्यों हरि नाम का कीर्तन करते हो। तो महाप्रभु जी ने भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार किया और महाप्रभु गए इन मायावादी सन्यासियों को मिलने के लिए। ये जो मायावादी सन्यासी थे, ये बैठे थे ऊंचे मंच पर, और जैसे आप जानते हो मंदिरों में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको पांव धोना पड़ता है, तो ये सारे सन्यासी बैठे थे ऊंचे मंच पर। और महाप्रभु जी जब आए, उन्होंने अपने पैरों को साफ करके वो बैठ गए उस स्थान में जहाँ की लोग पैर धोते हैं। पहले तो महाप्रभु जी ने इन सारे सन्यासियों को प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर कोई मायावादी सन्यासी भी आए, हमें उसे आदर देना चाहिए, और हमारे सामने महाप्रभु जी का उदाहरण है कि जब उन्होंने इन मायावादी सन्यासियों का दर्शन लिया तो महाप्रभु ने क्या किया? उन्हें प्रणाम किया। पर प्रणाम करके एक ऊंचे मंच में बैठने के बजाय महाप्रभु जी कहाँ बैठे? जहाँ के लोग पाँव धोते हैं। महाप्रभु जी ने हम सबको यह आदेश दिया है कि अगर आप यह हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहते हो
तो कैसा स्वभाव होना चाहिए? त्रिनाद पी सुने चेना तरोड़ पी सामानी न मना देना कितना दे सदारे। महाप्रभु जी ने अनेक लीलाओं में ये संदेश प्रकट किया। जैसे कि जब केशव कश्मीरी से भी चर्चा हो रही थी तो केशव कश्मीरी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो जो महाप्रभु जी के विद्यार्थी थे वो हंसने लगे, हंसी उड़ाने लगे केशव कश्मीरी का कि देखो हे जैसे आप उत्तर नहीं दे पाए। पर महाप्रभु ने एकदम उन्हें रोक दिया। उल्टा महाप्रभु ने कहा आज हमारा अतिथि थका हुआ है, कल उत्तर देगा, और इसके उनके विद्यार्थियों को हंसी उड़ाने से बंद कर दिया। इसके इस उदाहरण से महाप्रभु जी ने यह स्थापित किया है कि हमें सबको आदर देना चाहिए। तो महाप्रभु जी की महाप्रभु ने नम्रता यहाँ भी प्रकट की। कैसे? उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मायावादी सन्यासियों के साथ मंच पर बैठने के लिए उनके समान है। उन्होंने वो बैठे कहाँ? जहाँ के लोग पाँव धोते हैं। तो मायावादी सन्यासी ऊंचे मंच में बैठे थे, उन्होंने देखा ये सन्यासी में इतनी नम्रता, वो बैठा है जहाँ के लोग गंदे पाँव धोते हैं। तो उन्होंने कहा अब आओ मंच पर ऊपर बैठो। पर महाप्रभु जी वहीं बैठे रहे। और फिर महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने क्या, उन्होंने अपने सूर्य चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया कि जो दूसरे मायावादी सन्यासी मंच पर बैठे थे उन्हें लगा उनके चेहरे से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है। जैसे कि एक सूर्य का प्रकाश तो आप अनुभव कर सकते हो, अगर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसकी तो आप तुलना भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उन मायावादी सन्यासी को देखा कि महाप्रभु के चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है कि वो समझ पाए कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं, इसमें कुछ खास दिव्य शक्ति है जो कि इतना करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है उसके चेहरे से। तो प्रकाशानंद सरस्वती गए और महाप्रभु के हाथ को खींचकर ऊपर ले आए मंच पर बिठाने के लिए। फिर ये मायावादी सन्यासियों से महाप्रभु जी से पूछा कि आप ये हरि नाम का जो कीर्तन करते हो हमेशा क्यों करते हो? आप जब इतने बड़े विद्वान हो तो आपका हमारी संगत रखनी चाहिए, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करो, क्या ये पागलों जैसे नाचते हो गाते हो? फिर महाप्रभु जी ने उत्तर दिया प्रकाशानंद सरस्वती जो कि उनके नेता थे उनको, और अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया कि शास्त्रों का निर्णय क्या है कि हरि नाम ही एक उपाय है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसी अध्याय में आप अनेक श्लोक प्राप्त करते हो जिसके द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि हरि नाम एक माध्यम है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए। कई बार लोग हमें दोष देते हैं कि हरे कृष्ण वाले खाली महामंत्र पर बल देते हैं, हमारे शास्त्र में तो हजारों मंत्र हैं, किसी मंत्र को भी अपना लो क्या फर्क पड़ता है? पर हम हरे नाम को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि ये शास्त्रों का वर्णन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गति था, और कले दोषे निदराजन अस्ति एक महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से परम जन। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने अनेक श्लोकों का वर्णन किया जिसके द्वारा ये स्थापित होता है कि हरे नाम ही एक साधन है इस कलयुग में किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। और
आगे महाप्रभु जी ने कहा कि जब से मुझे मेरे गुरु के द्वारा ये हरि नाम प्राप्त हुआ है, जब से मैं तो पागल बन गया हूँ, जब से मुझे हरि नाम प्राप्त हुआ है, जब से मैं पागल बन गया हूँ, मैं हँसता हूँ, रोता हूँ, नाचता हूँ पागलों जैसे। ये हँसना, रोना, नाचना कोई भौतिक रोने, हंसने और नाचने के समान नहीं है। जैसे कि आप कोई कॉमेडी देख रहे हो हंसने के लिए, और या कोई गंभीर स्थिति को देख रहे हो रोने के लिए, नहीं। ये हंसना, नाचना, रोना, ये है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आगे कहा प्रकाशानंद सारस्वती से कि मैंने जाकर मेरे गुरु से कहा कि आपने क्या कर दिया है मेरे साथ, आपने मुझे ऐसा मंत्र दिया है कि अभी वो जीभ से छुटता ही नहीं है, अब आपने मुझे ऐसा मंत्र दिया है कि मंत्र लेते लेते मेरा हृदय कहता है नाचो, गाओ, रो, आपने तो मुझे पागल ही बना दिया है, आपने क्या जादू किया है मेरे ऊपर। तो महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि मैंने जाकर अपने गुरु से कहा कि आपने क्या जादू का मंत्र दे दिया है, कभी ये मेरे जीव से ये छूटता ही नहीं है। जब महाप्रभु जी ने अपना समकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप में, तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने महाप्रभु जी का विरोध किया। जैसे कि कोई 20 साल पहले जब हमारे भक्त इंडोनेशिया में गए थे प्रचार करने के लिए, तो उस देश के जो ब्राह्मण सभा थी भारत हिंदुओं की, उन्होंने सरकार को कहा ये हरे कृष्ण वाले तो असली हिंदू नहीं है, इनको मत आने दो। क्योंकि जब हमारे भक्त वहाँ गए थे तो किसी ने कह दिया था कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। तो ब्राह्मण सभा को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने सरकार से शिकायत कर दी कि हरे कृष्णा वालों को यहाँ मत आने दो। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया, जो उस समय के जो वहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने जाकर मुसलमान काजी से शिकायत की कि अगर आप हरि नाम का प्रचार नहीं रोकोगे तो हम सब, ये तो प्रचार हो रहा हमारे धर्म के विरोध। और मुसलमानों ने भी शिकायत की कि अगर आप यह हरि नाम के आंदोलन को नहीं रोकोगे, निमाय के आंदोलन को, तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और एक दाढ़ी वाला मुसलमान था तो बार बार जाकर काजी को कह रहा था रोको, रोको निमाय के आंदोलन को। तो उस काजी ने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा हरे कृष्णा बोलते रहते हो, एक तरह से तो तुम मुझे कह रहे हो रोको रोको निमाय के आंदोलन को, दूसरे तरह मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ दफ्तर में, घर में, जहाँ में, तुम हरे कृष्णा का जाप कर रहे हो, तो ये कैसे संभव है। तो फिर उस मुसलमान ने कहा कि ये बात सच है कि जब से मेरा परिचय हुआ यह हरि नाम के साथ, ये हरि नाम जीभ से छूटता ही नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हरि नाम का जाप नहीं करूँ पर ये जीभ से छूटता ही नहीं है, मैं करूँ क्या। तो उसी प्रकार महाप्रभु जी ने कहा ये मायावादी सन्यासियों को कि जब से मैंने यह हरि नाम गुरु द्वारा प्राप्त किया है, ये हरि नाम जो है मेरे जीभ से छूटता ही नहीं, और इसके द्वारा इतना आनंद अनुभव होता है कि मैं नाचता हूँ, हंसता हूँ और रोता हूँ। तो जब मेरे गुरु ने सुना कि हरि नाम का क्या परिणाम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा गुरु हंसने लगा मेरे पर, गुरु खुश हुआ कि उसके शिष्य में ऐसा भाव आ गया है कि हरि नाम को कभी रोकना ही नहीं चाहता है ना। अगर आपको आके कहो कि महाराज हमारे में तो ऐसी भावना कि हरि नाम को कभी रोकना ही नहीं चाहते, सदा निरंतर करना चाहते हैं, तो ये तो खुशी के लक्षण है कि नहीं। आप कहो कि हमारा तो दिल लगता है कि हरि नाम के साथ हम नाचें, गाएं, हंसें, ये तो खुशी के लक्षण है।
और अगर आप कहो कि हरि नाम करने का दिल ही नहीं लगता, 16 माला करने के बाद हम माला को छुपा देते हैं, सोचते हैं अब चलो 22 घंटे के लिए तो छुट्टी मिली, फिर अगले दिन देखेंगे 16 माला कैसे करें। और जब इस प्रकार के भाव प्रकट करोगे तो गुरु को दुख होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि जब मैंने अपने गुरु से कहा कि ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो हरि नाम जीभ से छुटता ही नहीं है, तो गुरु हंसने लगा। और गुरु ने हंसकर क्या कहा, ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो आप सब आज इधर पहुंचे हो क्योंकि यह है नया साल, असल में यह है क्रिश्चियन न्यू ईयर, वैष्णव न्यू ईयर नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कल रात के प्रवचन में कहा था, लगभग हर संस्कृति में अलग अलग दिन है जिसे आप न्यू ईयर मानते हो। जैसे रशियंस का न्यू ईयर है कोई 26 तारीख को दिसंबर में, हमारे वैष्णव का न्यू ईयर है गौड़ पूर्णिमा के पश्चात अगले। पर आज क्रिश्चियंस का इतना प्रोपेगेंडा है, उनमें इतनी आर्थिक शक्ति है विश्व में कि उन्होंने अपना न्यू ईयर को पूरे विश्व का न्यू ईयर बना दिया है। तो आज अगर किसी से आप पूछो न्यू ईयर कब है, सब कहेंगे January 1st, है कि नहीं? कोई नहीं कहेगा गौड़ पूर्णिमा या तो खैर। तो आप सब आए हो इस भावना के साथ कि आपको भगवान की कृपा मिले कि आप न्यू ईयर या पूरा साल सुख से बिता सको। आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कि इस श्लोक के संदेश को आप प्राप्त कर सको इस साल। और क्या है यह भाव, कि इसका कीर्तन करते ही कृष्णा के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए। क्या ठीक विचार है? आप सबका भाव होना चाहिए कि इस साल हमारे हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव, प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो। अच्छा गोल है, अच्छा लक्ष्य है सबका, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। हमारा भाव ये रहना चाहिए कि इस साल हम प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न करें परम भगवान के प्रति। और अगर आप प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न करोगे तो खुद ही खुद जो आकर्षण है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए वो घटेगा। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो नेगेटिव डेवलपमेंट घटेगा, और अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो नेगेटिव भाव है वो बढ़ते जाएगा। तो प्रेम पूर्ण भाव को कैसे उत्पन्न करें? क्या केवल ये इच्छा प्रकट होने से हो जाएगा? हमारी इच्छा कि हमारे में प्रेम पूर्ण भाव हो, और हमारी इच्छा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में नाचने की भावना, रोने की और हंसने की भावना थी, हमारे हृदय में भी प्रकट हो। क्या केवल इच्छा रखने से ही संभव हो पाएगा? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। इस विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि हम हरि नाम का जाप 3 परिस्थितियों में कर सकते हैं। हरि नाम का जाप का लाभ तो हर स्थिति में है। प्रभुपाद जी ने एक समय कहा कि अगर कोई शराबी कहे ये शराब का टेस्ट कृष्णा है तो वो भी एडवांस कर रहा है थोड़ा। अगर आप कहो ये शराब का टेस्ट कृष्णा है, भगवान कहते हैं हम द टेस्ट ऑफ वाटर है ना, रसम अप सो कौंतेय, तो आप कहो कि ये टेस्ट है कृष्णा, वो भी एडवांस कर रहे हैं। अगर आप कहो ये हरे कृष्ण वाले बदमाश हैं तो उसमें भी आपका लाभ है, आपने कम से कम हरे कृष्णा तो कहा। जैसे कि कई साल पहले जब भारत में इस संस्था की स्थापना हुई तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध कलाकार ने एक फिल्म बनाई थी, हरे रामा हरे कृष्णा देवनंद ने। तो फिल्म तो हमने नहीं देखी पर सुना था कि उस फिल्म में दिखाते हैं कि लोग
क्या दम मारो दम, हाँ दम, शराब गांजा लेकर फिर उनमें भावना उत्पन्न होती है हरे कृष्णा बोलने के लिए। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी शायद 72 में, जबकि प्रभुपाद जी भारत लौटे थे और कृष्ण भक्ति की स्थापना कर रहे थे भारत में। तो मैं प्रभुपाद जी को मिला था 73 में आकाश गंगा बॉम्बे में, जहाँ की हमारा मंदिर था। तो मैंने प्रभुपाद जी से कहा कि ये फिल्म के कारण इस्कॉन की बेइज्जती होगी भारत में, क्योंकि उन्होंने गलत रूप से ये दिखाया है कि हम भंग लेकर फिर हरे राम हरे कृष्णा का जाप कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नथिंग विल बी लॉस्ट, कुछ नुकसान नहीं होगा, लोग हरे कृष्णा सुनेंगे कुछ लाभ उठाएंगे। तो उन्होंने परवाह नहीं की कि वो गलत रूप से प्रकट कर रहे हैं कि हरे कृष्णा वाले भंग पीकर ये हरे कृष्णा का उच्चारण करते हैं। तो हरे कृष्णा का लाभ तो हर स्थिति में है, चाहे आप कहो कि ये लोग तंग कर रहे हैं आलोचना भी करो, वो चाहे आप प्रेम से भी जाप करो। पर कहा गया है कृष्णदास कविराज के द्वारा कि अगर हम हरे नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें हरे नाम का जाप एक तो सावधानी से करना चाहिए। सावधानी से करने का अर्थ है ये सोचो भगवान के नामों में भगवान में कोई अंतर नहीं, और आप बड़े ध्यान से जाप करो। ये नहीं कि आप 10 और काम कर रहे हो साथ में अपना 16 माला का जाप कर रहे हो। साथ में नाम अपराधों से बचो। पहली स्थिति हरि नाम की है नाम अपराध, आप जाप कर रहे हो और साथ में अपराध भी कर रहे हो। फिर जैसे आपका अध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, आप अपराधों से बचते हो, बचने का प्रयास करते हो, और इस स्थिति को कहा जाता है नामाभासा। तो अगर आप नामाभासा के भाव से जाप करोगे तो ही भगवत प्रेम हृदय में उत्पन्न हो पाएगा। अगर आप नामाभासा के भाव से जाप नहीं करोगे तो हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, जो कहा जा रहा है इस श्लोक में, उसको आप उत्पन्न नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भगवत प्रेम उत्पन्न करना चाहते हो तो क्या आवश्यक है कि आप नामाभासा के स्थिति में रहकर अपना जाप करो। कई बार हम भक्तों से पूछते हैं जाप कर लिया, कहते लोग हाँ कर लिया, पर हमें ये देखना है कि हमारे जाप की क्वालिटी क्या है। जैसे कि आपको प्रसाद देते हैं, अगर आपको रोज प्रसाद दें ज़्यादा नमक के साथ तो अच्छा लगेगा आपको, अगर आपको कम नमक के साथ दें तो अच्छा लगेगा, पेट तो भर जाएगा पर उसका स्वाद नहीं आएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार 16 माला जाप करना अच्छा है, पर अगर आप इस श्लोक के संदेश का लाभ उठाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो आपके हृदय में, तो क्या आवश्यक है कि ध्यान के साथ अपराधों से बचते हुए जप रोज करो। और अगर आप इस भाव से करोगे तो फिर प्रेमपूर्ण भाव आवश्यक ही आपके हृदय में उत्पन्न होगा। तो प्रेमपूर्ण भाव को प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनका सहयोग देते हैं कौन, जो खुद प्रयास करते हैं अपना सहयोग देने के लिए। तो जब हम खुद प्रयास करेंगे कि हमारा भाव है, हमारा लक्ष्य है कि प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो, तो इसके लिए आपको क्या कीमत भरनी पड़ेगी, जप करो सावधानी के साथ, 10 अपराधों से बचो, ये नहीं कि जप कर दिया बस 16 माला हो गया। तो प्रयास करो कि प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो। इस विषय में इस भावा की स्थिति में पहुंचने से पहले रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसमृत सिंधु में कहा है अधो श्रद्धा तथा साधु। पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए। क्या श्रद्धा? कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। जब आपके हृदय में ये श्रद्धा होगी, भगवान क्योंकि उपस्थित हैं हरि के हृदय में परमात्मा के रूप में, फिर वो आपको बुद्धि देते हैं क्या कि आपको किसी भक्त की संगत प्राप्त हो, साधु संगत।
जब आपको साधु संगत प्राप्त होती है तो साधुओं द्वारा आपको शिक्षा मिलती है, हरि नाम का जाप करो, शास्त्र पढ़ो। जब आप इसका पालन आरंभ करते हो तो उसे कहा जाता है भजन क्रिया। जब आप भजन क्रिया करोगे रोज रोज रोज, ये नहीं 10 साल किया फिर सोचो कि बस हो गया जिंदगी का कोटा, नहीं, जिंदगी की समाप्ति तक जब भजन क्रिया का पालन करोगे फिर इसका परिणाम होगा अनर्थ निवृत्ति। जो कि आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये नष्ट होंगे। जब आप भाव जाप करते जाओगे फिर आपके हृदय में आएगी निष्ठा। निष्ठा मतलब आप भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते। कई कठिनाइयां आएंगी, आरोप लगेगा, आलोचना लोग करेंगे, तो भी आप भक्ति के मार्ग से विचलित जुदा नहीं होना चाहते। आप कई बार देखते हो कि लोग दीक्षा भी लेते हैं और भटक जाते हैं, पर जब निष्ठा की स्थिति में आओगे तो आसानी से नहीं भटकोगे, क्योंकि निष्ठा प्राप्त होती है भजन क्रिया के पालन के द्वारा पश्चात। और जब आप जाप करते जाओगे फिर आपके हृदय में रुचि आएगी। रुचि का मतलब है टेस्ट, जैसे कि आपके हृदय में रुचि है रसगुल्ला समोसा खाने के लिए। आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती कि रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर खाने के लिए, है कि नहीं? आपके हृदय में खुद ही रुचि है। हमारे हृदय में रुचि है, आकर्षण है भौतिक इंद्रिया तृप्ति के कार्यों के लिए, पर हमें यही रुचि उत्पन्न करनी है किसके प्रति? हरि नाम के प्रति। तो ये रुचि आएगी कैसे? निष्ठा के पश्चात। और आप जाप करते जाओ भजन क्रिया का पालन करते जाओ फिर आप पहुंचोगे अथाह शक्ति और भावा की स्थिति पर। तो ये भावा की स्थिति जिसका वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कई बार आप देखते हो ढोंगी व्यक्ति इन लक्षणों का नकल करते हैं। आप देखते हो वृंदावन में भी वो जाप कर रहे हैं और नकली आंसू बहेंगे और नकल रोने का प्रयास करेंगे, ये है नकली लक्षण। असली लक्षण प्रकट होंगे जब हम सावधानी से जाप करेंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कब वो शुभ दिन आएगा जबकि जैसे ही मैं हरि नाम का उच्चारण करूं ये शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होंगे। तो इन लक्षणों को प्रकट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या प्रयास करना पड़ेगा। और हम सबको इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। तो भावा की स्थिति में पहुंचने के लिए मेहनत करोगे तो ही उस स्थिति पर पहुंच पाओगे। और इसलिए हम सबका लक्ष्य होना चाहिए क्या, कि हम प्रेम पूर्ण भगवत प्रेम उत्पन्न हो। तो अगर आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही भगवान आपका सहयोग देंगे। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें भी कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूँ? दूर करता हूँ। तो संक्षेप में आज के श्लोक में महाप्रभु जी मायावादी सन्यासियों को बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु से कहा आपने क्या मंत्र मुझे दिया है, आपने तो ऐसा जादू कर दिया है कि ये हरि नाम में जीभ से छूटता ही नहीं, तो उनके गुरु बड़े प्रसन्न हुए कि उनके शिष्य में प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो गया है। और उन्होंने कहा कि हरि नाम का प्रभाव ये है कि अगर आप सावधानी से हरि नाम का जाप करोगे तो आपके हृदय में प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न होगा। किसके प्रति? कृष्ण भगवान के प्रति। तो हम सबका रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे कि प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो। तो प्रयास अभी से ही शुरू कर दो, ये नहीं कि जैसे कई विद्यार्थी सोचते इम्तिहान से एक दिन पहले तैयारी करेंगे। आप प्रयास करना आज से ही शुरू कर दो तो फिर साल की समाप्ति तक आप भावा की स्थिति तक पहुंचोगे। ये मत सोचो कि हम दिसंबर 15 को शुरू करेंगे, दिसंबर 30 तक भावा की स्थिति पर पहुंच जाएंगे। आज से ही शुरू करो, ठीक है।